हनुमान जी ने तोड़ दिया था अर्जुन का घमंड। आनंद रामायण में वर्णन है कि एक बार अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। अर्जुन घमंड से हनुमान जी को कहता है कि मैं आपके समय होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने के बजाय अकेले ही अपने धनुष से ही मजबूत सेतु बना देता। आपके प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वे सक्षम नहीं थे? इस पर हनुमान जी ने कहा, वहाँ बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे यह तीन कदम ही छेल गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा, उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता तो। यह सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया, मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान। यह सारी घटना देखकर अर्जुन को भी बड़ा पछतावा हुआ और उन्होंने भी हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन दुख मत करो, और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। यही कारण था कि अर्जुन का रथ सभी बाधाओं से सुरक्षित रहा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।